हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की जो रेसिपी होने वाली वो है गाजर और मिर्ची का अचार, जो कि इंस्टेंट बनने वाला है। और आजकल विंटर सीजन है, गाजर बहुत आ रही है, हरी मिर्च नींबू बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसका अचार डाल सकते हैं। जो आज हम बनाने वाले हैं अचार में वो है गाजर और मिर्ची का अचार, जो कि इंस्टेंट बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है और बहुत इजी तरीके से बन जाता है। रेसिपी स्टार्ट। गाजर मिर्ची का अचार बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला है, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, तो फटाफट करते हैं उसकी तैयारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एकदम फ्रेश गाजर। गाजर आप जितनी चाहे उतनी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी थी तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया है अचार। तो यहाँ पर मैंने गाजर ले ली है, इसको छील लिया है। छीलने के बाद इसको एकदम चार पीस में बढ़िया से कट कर लेंगे। जितने मैंने बनाए हैं कम से कम 3 इंच के पीसेस होनी चाहिए। ये है मेरे पे रेड चिली, वैसे तो ये ग्रीन चिल्ली ही थी लेकिन ये रखी रखी पक गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना गाजर के अचार में इसको भी डाल दी जाए। तो गाजर और मिर्ची का अचार बना के तैयार करेंगे। तो दोनों चीज़ें कट हो गई हैं, हमको इस तरीके से कट करना है। और अगर मिर्ची आप कट कर रहे हैं तो उससे पहले अपने हाथों में सरसों का तेल लगा के ज़रूर कट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर ली है। ती है मसालों की, मसाले हमें क्या क्या रखने हैं। तो हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पैन को रख दिया है। यहाँ पर मैंने रखी है काली सरसों, जो मोटे दाने वाली होती है, और सेम हमने पीली सरसों भी ले ली है। 1 चम्मच काली सरसों, 1 चम्मच पीली सरसों यहाँ पर डाल देंगे। थोड़ा सा मेथी दाना ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना कड़वा हो जाता है। थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने ले लिया है अजवाइन। और उसके बाद इसमें डालेंगे कलौंजी, उसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच धनिया, और उसके बाद जाएगा इसमें 1/2 चम्मच मैंने डाल दिया है यहाँ पर जीरा, और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम इसमें जाएगा काली मिर्च। काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे हम सारे मसालों को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ताकि थोड़ी सी इसकी जो सीलन सी होती है ना, मॉइस्चर जो होता है वो निकल जाए, बस हमको उतना ही इसमें रोस्ट करना है। तो गैस मैंने ऑफ कर दी है और हमारे मसाले भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। ठंडा होने के बाद मैंने जार में रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी, मिर्ची और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। तो अब जाएगा इसमें अमचूर पाउडर। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है, और इसमें मैं विनेगर भी डालूंगी, इसलिए मैंने सिर्फ 1.5 चम्मच ही अमचूर डाला है। अगर आपके पास विनेगर नहीं है, अमचूर है, तो अमचूर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा डाल देना। तो मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी, और पीसने के बाद मैंने था दरदरा पीसने के बाद इसमें सौंफ डाल दिया, उसको भी थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। मसाले को हमने थोड़ा दरदरा ही रखना है, ज़्यादा बारीक फाइन पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो जो अचार में मसाला है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर इस तरीके का हमें जो मसाला चाहिए था बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम रख लेंगे कढ़ाई गैस के ऊपर। गैस में मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें हम रख देंगे सरसों का तेल। इसमें अचार में सिर्फ सरसों का तेल ही यूज़ होता है, बाकी और तेल बिल्कुल मत डालना, क्योंकि अचार की जो सेल्फ लाइफ होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और अचार के लिए सबसे बेस्ट सरसों का तेल ही रहता है। सरसों का तेल मैंने मीडियम फ्लेम पर ही उसको अच्छे से गर्म कर लिया था। उसके बाद जो हरी मिर्च और गाजर है उसको थोड़ी सी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और इसमें मैंने डाल दी है साबुत कलौंजी। कलौंजी को मैंने थोड़ा सा पीसने के लिए रखा था, और बाकी 1/2 चम्मच मैंने इसमें साबुत डाली है। तो कलौंजी और जो सौंफ होती है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर साबुत इसमें डाल दी जाए ना अचार में तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो उसको अच्छे से सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हमको इसको 3 से 4 मिनट के लिए भूनते रहना है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि ऐसे ही पक जाएगा तो अचार का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विनेगर है ये भी मैंने इसमें डाल दिया था, ये मैंने 3 से 4 ढक्कन डाला। इससे आपकी जो अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और तेल बहुत कम लगता है, और जो टेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जो गाजर मीठी हो जाती है वो ये खट्टा खट्टा। तो अब जो हमने यहाँ पर लिया है एक कांच का जार, अचार को हमेशा कांच के जार में ही स्टोर कीजिएगा। कांच का जार मैंने अच्छे से धो के सुखा करके फिर ही मैंने इस बर्नी में जो भी अचार था इसको अच्छे से फिल कर लिया है। आप देख सकते हैं तो अचार कितना टेस्टी दिख रहा है खाने में, और ये बना भी बहुत टेस्टी था, हमने तो बना के इसको खा भी लिया है।
अगर आप इस तरीके से कांच की बर्नी में अगर अचार स्टोर करके रखते हैं तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर रहता है, और प्लास्टिक के बर्तन में ना अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अचार को हमेशा या तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें स्टोर करना चाहिए, या फिर इस तरीके के जो कांच का कोई जार है तो उसमें स्टोर करना चाहिए, ताकि लंबे टाइम तक के लिए आपका जो अचार है बिल्कुल सेफ रहेगा। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और बेल आइकन जरूर दबाना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए कि नेक्स्ट रेसिपी आ गई है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।